कृपा बिंदु दिया करो ए दास त्रिनापेक्षाते न गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास त्रिनापेक्षाते सकले सहाने बल दिया करो सकले सहाने बल दिया करो निज माने स्प्रहाये निज माने सकले सम्मान करिते शकति सकले सम्मान करिते शकति देहो नाथ यथा यथ देहो नाथ यथ तबे तुम गाइबो हरि नाम सुखे तबे तुम गाइबो हरि नाम अपराध है वे हाथ अपराध है वे हाथ कबहे न कृपा लभियाए जाना कबहे न कृपा लभियाए जा कृतार्थ होई बिना कृतार्थ शक्ति बुद्धिहीन अमि अति दीन शक्ति बुद्धिहीन अमि अति दीन करो मोरे आत्मा साथ करो मोरे आत्मा साथ योग्यता विचारे किछ नहीं पाई योग्यता विचारे किछ नहीं पाई तो मान करुणा सार तुम्हार करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले प्राण न राखी मोर प्राण न राखी मोर प्राण न राखी मोर प्राण न राखी मोर गुरुदेव जय जय गुरुदेव राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन राधा माधव कुंज विहार
हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की जय। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। षड गोस्वामी गण की जय। शिल गुरु परंपरा की जय। जगत जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु फन्द्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय छ श्लोक संख्या 4। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसंजते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसंजते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसंजते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। शब्दार्थ यदा, जब, ही, निश्चय ही, न, नहीं, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति में, न, कभी नहीं, कर्मसु, सब सकाम कर्म में, अनुसंजते, निरत रहता है, सर्व संकल्प, समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी, त्याग करने वाला, योग आरूढ, योग में स्थित, तदा उस समय उच्चते कहलाता है। अनुवाद, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे,
तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सारे जोर से बोल रहे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी को इस संसार में रहते हुए बाध्य हैं कि हम सभी को कोई ना कोई काम तो करना पड़ता है, विवश होकर के करना पड़ता है। कई बार हम उसे ऐसा मान लेते हैं कि नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन आचार्य ऐसा वर्णन करते हैं, उनकी शैली होती है सिखाने की
कोई कैसे सिखा देता है तो कोई कैसे सिखा देता है। एक सुनार था, काफी बड़ा व्यापारी, हीरे जवाहरात आदि। तो वो एक गुरु के पास गए, उनका नाम विष्णुदास था, गुरुजी का नाम राम राय था। तो वो गए जब उनके पास, तो उन्होंने शिक्षा दिया उनको, तो वो तो रत्ती रत्ती का भी हिसाब किताब रखते ना सोने के व्यापारी लोग। तो उन्होंने सिखाया कैसे, बोले आंख खुले पे मानुषा रत्ती रत्ती खाए। और आंख मिचे पे तोला हु धरा रह जाए। तो जब तक आंख खुली है संसार में व्यक्ति की, तो रत्ती को भी छोड़ना नहीं चाहता। सुनारों की भाषा में उन्होंने सिखाया कि संसार में जब आंख खुली है तो सब जगह पे दिखाई देता है, और सब जगह पे उसको उसके मतलब की चीज दिखाई देती है, जो उसकी कामना है, तो उस कामना का त्याग नहीं कर पाता, छोटी सी वस्तु के लिए भी उसको ग्रहण करता है, रत्ती रत्ती खाए। और आंख जब बंद हो जाए तो बोले तोला वस्तु रखी हुई है सोने की, तो वो पूरा तोला भी ध्यान नहीं देता, गंवा देता है। कैसे ध्यान देगा, ताकत ही नहीं। तो जो संसार का खेल है, जो आसक्ति का खेल है, जो इंद्रिय तृप्ति का खेल है, ये केवल और केवल आंख खुले का खेल है। और ऐसा लगता है रत्ती कैसे छोड़ सकते हैं, जब रत्ती नहीं छोड़ सकते तो फिर तोला कैसे छोड़ दिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये वास्तव में किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस रत्ती रत्ती को इकट्ठा किया था, सोचा अब आंख बंद हो गई तब तोला इकट्ठा तो कर नहीं पा रहे, आंख खुली तो बोले करना पड़ता है, और कर करके कई तोले इकट्ठे कर लिया था। तो जो रत्ती रत्ती करके कई सारे इकट्ठा किया था, क्या वो साथ में ले गया? तो जो रत्ती रत्ती आके खोल करके इकट्ठा किया, उसका क्या मीनिंग रहा फिर? क्या हो चे तेरा, यूजलेस। आंख खोल करके भी उस वस्तु को इकट्ठा किया जो वस्तु हमारे काम में आ ही नहीं सकती, जो साथ में जा ही नहीं सकती, तो फिर उसे आंख खोल करके इकट्ठा क्यों करना था? वो भी मूर्खता ही है ना। बोले फिर जिएंगे कैसे? बोले जीने के लिए तो अजगर करें चाकरी, पंक्षी करें काम, उसके लिए तो देने वाले व्यक्ति ने व्यवस्था बनाया। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी प्रयास हैं, वो सारे प्रयास जागने पर हैं, और वो प्रयास मरणोपरांत जीव के किसी काम के नहीं, लेकिन नुकसानदायक जरूर हैं, क्योंकि जो रत्ती रत्ती करके संग्रह किया है, वो संग्रह के संस्कार जरूर पढ़ के आगे जाएंगे। तो जागृत अवस्था में फिर क्या करना चाहिए था? बोले कुछ फायदा उठाना चाहिए था, वहां भी रत्ती रत्ती करके ही फायदा उठाया जा सकता है। वो कैसे फायदा उठाया जा सकता है? बोले इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में न लग करके कृष्ण तृप्ति के कार्यों में अगर लगा जाए, और कृष्ण तृप्ति के कार्यों में रत्ती रत्ती करके ही लग जाए, तो बोले रत्ती रत्ती करके ही वो बहुत बड़ा फायदा उठ जाएगा। आंख बंद करने पर ये वस्तु संस्कार के रूप में भी जाएगी और सुकृति के रूप में भी जाएगी। कैसी विचित्र बात हुई। बाकी सब जो इकट्ठा किया वो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा,
और ये ऐसा अविक्रम है कि ये कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन ये संसार है कैसा? संसार ज्यादातर इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों से बना हुआ है, और उनको इंद्रिय तृप्ति के दलदल से निकाल करके रत्ती रत्ती करके कृष्ण की तृप्ति में लेके आना, ये कोई इजी टास्क नहीं है। व्यक्ति को संसार में जिन रत्तियों को इकट्ठा कर रहा है, अब देखो आत्मा तो है ना, वही भगवान का अंश ही है ना, आत्मा है, और ऐसे अनादिकाल के संस्कार हैं किसके, इस सृष्टि में इतना पुराने इतिहास के संस्कार हैं उसके, किस चीज के, रत्ती रत्ती इकट्ठे करने के। रत्ती रत्ती इकट्ठे करने के मतलब इंद्रिय तृप्ति के, किसके संस्कार हैं, इंद्रिय तृप्ति के, कितने समय से हैं, अनादिकाल से हैं। तो अनादिकाल के जो संस्कार हैं इंद्रिय तृप्ति के हैं, ऐसा लगता है कि इनको चेंज किया ही नहीं जा सकता, अनचेंजेबल है। लेकिन वो जीव जिसके अंदर ये संस्कार हैं, भोगों के जो संस्कार हैं, वो जीव अपने आप में क्या है, वो जीव कौन है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है, वो भगवान का अपना है। तो फिर वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एक्सेप्टेबल है ना। और भगवान से मिलाने का जो रास्ता वो योग है, और योग पर आरूढ़ कोई हो गया उसका लक्षण क्या है, बोले योग पर आरूढ़ हो गया उसका लक्षण है न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसंजते, इंद्रिय के अर्थ के लिए अर्थात इंद्रिय की तृप्ति के लिए वो कभी भी कर्मों का संग्रह नहीं करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि इंद्रिय की तृप्ति हो। और अगर ऐसा कोई बन गया कैसा, सर्व संकल्प सन्यासी, संसार के सारे संकल्पों का त्याग करने वाला, जो इंद्रियों के लक्ष्य को केंद्रित करके संकल्प लिए जाते हैं। जैसे संकल्प लिया भाई ठंडी आ गई, चलो तिल के लड्डू बनाने, तो तिल के लड्डू बनाने का क्या लिया गया है, किसके लिए लिया गया, इंद्रिय तृप्ति के लिए। चलो बाजरे की रोटी बनाते हैं आज, चलो आज मलिदा बना करके खाएंगे, चलो बढ़िया जैकेट लेकर के आते हैं, चलो गर्मी आ गई तो गाड़ी का एसी ठीक करा लेते हैं, चलो अब एक काम करते हैं मधुपर्क खाते हैं। बोले मधुपर्क क्या होता है, बोले दही में शहद मिला करके जब खाया जाता है तो उसे मधुपर्क कहते हैं। आजकल लोग नहीं खाते, पुराने समाज जमाने में ये संस्कृति थी। जब अक्रूर जी वृंदावन में आए तो कृष्ण बलराम के विरह में रुदन कर रहे हैं, और सुबह के चले थे, और ज़्यादा दूर नहीं है नंदगांव मथुरा से, तो नंदगांव में पहुँचे तो शाम हो गई पहुँचते पहुँचते, इतने विरह में आतुर होकर के जा रहे हैं कि विरह में रथ रोक लेते हैं और कृष्ण की याद में डूब जाते हैं। और शाम को पहुंचे, और जब शाम को पहुंचे भगवान के चरण चिन्हों को देख करके वहां रुदन करने लग गए। सारी रात भगवान के चरण चिन्हों को लेकर के रुदन करते करते निकल गए। सुबह में गोचारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, कृष्ण बलराम का अद्भुत दर्शन है, नीली कांति भगवान की है, तो पीतांबर धारण करते हैं, नीले पर पीला अद्भुत लगता है, और गौर कांति बलराम जी की है तो वो नीलांबर धारण करते हैं, नीले वस्त्र धारण करते हैं।
दोनों भाइयों के दर्शन करके एकदम भाव में डूब गए और रोने लग गए। तुरंत दोनों भाइयों ने, एक ने एक हाथ पकड़ा उनका, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, दोनों एक एक हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ के नंद भवन की ओर लेकर के जा रहे। और नंद भवन में ले जा करके उनको मधु पर्क खिलाया, जिसमें क्या डाला, शहद और दही। शहद और दही का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि यात्रा से अगर कोई आए और उसको अगर ऐसा मधु पर खिला दिया जाए तो उसका श्रम दूर हो जाता है, तुरंत थकान चली जाती है और उसका बीपी हाई अगर हो तो लो हो जाता है। इतना बढ़िया औषधि। ऐसे दही शहद कभी खा सकते जिसका बीपी लो हो जाए? इसका मतलब जबरदस्ती बीपी लो नहीं कर लेने का, बोले दही शहद खाने की इच्छा है इसलिए बोले बहुत बीपी लो हो गया है, बीपी हाई हो गया है, बीपी हाई को लो करता है। तो सोचता आदमी कि चलो ठंडा ही पीते हैं, शिकंजी बनाते हैं, ऐसे संकल्प रहते हैं चित्त में। जैसे मैं अपने आप में सोचता हूं कि चलो रोटी जैसी भी है, जौ के आटे की है, एकदम अजीबो गरीब लगती है खाने में, थोड़ा सा मीठा कुछ मिल जाए बस। मन में संकल्प उठते रहते हैं कुछ मीठा होना चाहिए। तो मैं एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था, तो भक्त कहता हो प्रभु मंदिर में मैं जब रहता हूँ ना तो जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ, और मंदिर से जब बाहर जाता हूँ ना तब अपनी फरमाइशें चालू हो जाती। मतलब अपने साथ उल्टा होता है यार, मंदिर से बाहर जाते हैं तो जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, मंदिर में आकर के फरमाइश चालू हो जाती है कि यार कम से कम कुछ मीठा खिला दिया। वो वास्तविकता इसलिए कि बाहर जाकर के संयमी नहीं बन जाते, बाहर जाकर के फरमाइश की जरूरत ही नहीं पड़ती करने की, इतनी वैरायटी आती रहती है और फिर सोचते कल से त्याग करेंगे मीठा का, और फिर वो कल आती नहीं, फिर सोचते आश्रम में जाके त्याग करेंगे, और फिर आश्रम में पहुंच करके फिर कहते यार इतने दिन हो गए इतना बैरागी बना दिया, कुछ मीठा कुछ तो खिला दिया करो कम से कम। तीखे की वैरायटी बहुत मिल जाती। तो ये वृत्ति क्या है, संकल्प की वृत्ति है, किसको लेकर के, इंद्रिय को लेकर। एकदम से तो जाएगी नहीं, अनादिकाल के संस्कार है भाई, लेकिन हैं हम सभी कौन, आत्मा, भगवान श्री कृष्ण के अंश, इसलिए तिरस्कार करने के योग्य भी नहीं। जड़ के रूप में आत्मा है तो स्वीकार करने योग्य है, लेकिन जो ऊपर के लेयर हैं वो कृष्ण सेवा के प्रति नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रीति के नहीं है, वो किसके हैं, स्वतः इंद्रिय तृप्ति के हैं। इसलिए संकल्पवान है, सर्व संकल्प सन्यासी नहीं है। भगवान कह रहे हैं सर्व संकल्प सन्यासी बनना पड़ेगा, तब योगारूढ़ तद उच्चते, तब उसे योग में आरूढ़ माना जाएगा, वो योग में चढ़ गया, अभी तक अन्यथा योग में नहीं चढ़ा है, और बिना योग में चढ़े भगवान नहीं मिलेंगे। तो यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसंजते, इंद्रिय को अर्थ का ध्यान रखते हुए, इंद्रिय के अर्थ को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति जब कर्म नहीं करता और सर्व संकल्प का संन्यास लेता हुआ, त्याग करता हुआ जब जीवन जीता है तो क्या कहलाता है, योग आरूढ़। आज हमारी स्थिति क्या है, सर्व संकल्पवान है, कोई भी संकल्प इंद्रिय तृप्ति का चूक न जाए, तो फिर कौन से आरूढ़ हैं, योगारूढ़ या भोगारूढ़, भोगारूढ़ है, योगारूढ़ नहीं। और भोगारूढ़ का परिणाम दुख है और योगारूढ़ का परिणाम कृष्ण है, भोगारूढ़ का परिणाम संसार है। अब
ऊपर से वो संसार में चाह रहा है, क्योंकि उसका इंद्री, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर सब कुछ किस ओर जा रहा है? भोग की ओर जा रहा है। और आत्मा कैसा है? वो कृष्ण का। तो कृष्ण के लिए कितना बड़ा धर्म संकट है ना, क्या करें इसका, ग्रहण कैसे करें? ऊपर से ऐसा गंदा है और छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि मेरा ही अंश है। कई बार ऐसी स्थिति से हम सबको गुजरना पड़ता है कि चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतने संस्कार गहरे हैं कि ऐसा लगता है कि चेंज होने वाला नहीं। अनचेंजेबल बट एक्सेप्टेबल। कई बार भक्त लोग एक दूसरे की शिकायत करते हैं ना, तो एक भक्त शिकायत करता है मेरे को, प्रभु जी ये जो व्यक्ति है ना, ये कभी बदलने वाला नहीं, लिखवा लो मेरे से। लगे तो बोले मैं खून से लिख के दे दूंगा इसके ऊपर, इसके अंदर कभी बदलाव आने वाला नहीं। हमें सुन रहा, बोला अच्छा, सोच तो मैं भी रहा हूं अपने बारे, मेरे में भी कौन सा बदलाव आया भाई? इतना सहज थोड़ी है बदलाव आ जाना कि एकदम से चुटकी में बजाने से बदलाव आ जाए। अगर बदलाव चुटकी बजाने से ही आ जाता तो बहुनाम जन्मनाम अंत्य क्यों करना पड़ता? अभी तो भोग का रास्ता दिखा करके ही जीव को रोकना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। हम जब गुजरात में थे तो वहां पर एक हमारा सांड खुल गया। अब खुल गया, उसमें बहुत ताकत है, तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। अब किसान लोग शिकायत लेकर के आ गए, तब उसे रोकें कैसे? इंद्रिय तृप्ति का वेग इतना ज्यादा है कि उसको रोक नहीं सकते। अब उसे बांधना जरूरी है, तो कैसे बांधे? तो एक टोकर खल का लिया हमने और उसके सामने खल लेकर के चले गए। और जब खल लेकर के चले गए तो खल की ओर पहुंचा, देखा खल है, तो एकदम से मुड़ गया। अब एक आध उसको खाने भी दिया गया, तो एक आध दो ग्रास मार लिया, फिर उसको खींच के ले आए और ला करके टोकर नीचे रख दिया खूंटे के पास पहुंच करके। चेन उसके गले में बंधी हुई थी, चेन को नीचे खूंटे में फांसा लगा दिया। खल थोड़ी सी थी, खा ले जितना खाना है तेरे को, इतनी है, दोबारा दूसरी तो मिलनी नहीं। खल खत्म हो गई, बंधन में बंध गया। ऐसा भी करना पड़ता है। अब प्रभुपाद जी ने संसार में देखा कि व्यक्ति तपस्वी तो हो नहीं सकता, उसको बढ़िया रहन सहन चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने पौष मंदिर बनाए। एक बार प्रभुपाद जी को भक्त लोग लिखते, प्रभुपाद हमें यहां पर इस देश में कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो हम नदी के ऊपर जो पुल बनाया हुआ है, पुल बड़े होते हैं, नदी बीच में बह रही होती है, साइड में खाली जगह रहती है, तो बोले हम पुल के नीचे रह रहे। प्रभुपाद जी कहते मुबारक हो, पक्की छत मिली है तुम्हें। मैं जब गया था तो पेड़ के नीचे रहा था, तो बहुत बढ़िया हो गया। हमारे गोस्वामी लोग पेड़ के नीचे रहा करते थे, तो प्रभुपाद जी की नजर में तो वो भी पर्याप्त है। फिर लोग प्रश्न करने लगे कि आप इतने विशाल विशाल मंदिर क्यों बनाते? प्रभुपाद जी बोले तुम लोगों के लिए। इतने पौष प्रसादम का स्टैंडर्ड क्यों होता है? बोले तुम्हारे लिए। इतनी रहन सहन की हाई फाई सुविधा क्यों होती? बोले तुम लोगों के लिए करनी पड़ती। बोले ऐसा क्यों? बोले तुम लोगों को आदत पड़ी है इंद्रिय भोगों की, तो वो इंद्रिय भोग अगर यहाँ नहीं देंगे तो तुम यहाँ बंधोगे कैसे? तुम्हें बांधने के लिए, तुम्हें लाने के लिए
ये विवश होकर के क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा क्या हो जाता है, तुमसे कृष्ण के प्रति सुकृतियां करवा ली जाती है, कृष्ण भक्ति हो जाती है। जब साथ साथ भक्ति हो जाती है तो धीरे 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 इंद्रिय तृप्ति की ओर से अपने आप ही वैराग्य आने लगता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये वैराग्य चुटकी में आ जाए, बोले नहीं आएगा, कपड़े रंगा लेने से थोड़ी वैराग्य आ जाएगा, मन रंगना चाहिए, मन को रंगने में टाइम लगता है। और जब टाइम लगेगा तो क्या कपड़ा नहीं रंगाए? अब कोई पैंट शर्ट में है उसके लिए बीड़ी सिगरेट पीना आसान है या धोती कुर्ता पहन करके बीड़ी सिगरेट पीना आसान है? पैंट शर्ट में जाकर के बीड़ी सिगरेट पीना आसान है ना। अब कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहना दिया जाए उसको, तो धोती कुर्ता उसको लाभ देगा बीड़ी सिगरेट पीने में या रोकेगा? रोकेगा ना, मूलतः तो उसकी सहायता ही कर रहा है ना, धोती कुर्ता उसकी सहायता कर रहा है, गिरने से बचा रहा है। लेकिन धोती कुर्ता पहनने के बाद उसके हृदय में बीड़ी सिगरेट की इच्छा चली गई, ऐसा माना जा सकता है क्या? नहीं। कोई सोचे देखो धोती कुर्ता पहन करके भी ऐसा कर रहा है, अरे धोती कुर्ता उसको दिया गया था किस लिए? कि कहीं ज्यादा ना करे, उसे बंधन में बांधने के लिए दिया गया था। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर से वैराग्य जागृत हो गया, उसमें तो क्या लगेगा, समय लगेगा। तो भक्त कहता है प्रभु जी ये कभी नहीं बदल सकता। और उदाहरण क्या देता पता है, पूरे उदाहरण के साथ आया वो। कंप्लेन लेने के लेके आदमी जाता है तो पूरा बेस बना करके जाता है, तो उदाहरण लेकर के आता है। वो कहता है प्रभु जी आपको पता है वो कैसा है? बता तू ही बता कैसा है। बोले वो प्याज की तरह है। किसकी तरह है? प्याज की तरह। आप उसका एक छिलका उतारोगे ना तो फिर दूसरा छिलका भी वैसा ही निकलेगा जो पहला उतारा आपने। फिर आप सोचोगे दूसरा छिलका उतर जाएगा तो शायद ठीक निकलेगा, दूसरा भी उतारोगे ना तो तीसरा भी वैसा ही छिलका निकलेगा, तीसरा भी निकाल दोगे तो चौथा भी वैसा ही निकलेगा। और याद करो पहले छिलके ने आंखों से पानी निकाल दिया था, रुला दिया था। अब जब तक इसको रखोगे ना, एक एक छिलका निकालते जाओगे इसका, तब तक ही आखिरी दम तक केवल और केवल क्या करेगा, रुलाई गई बस। ये बदलने वाला नहीं, ये प्याज है प्रभु जी। अच्छा फिर मैंने कहा यार प्याज तो हम खाते ही नहीं, तो प्याज कैसे हो सकता है? लहसुन प्याज का तो त्याग किया हुआ है, तो ये भक्त प्याज कैसे हो सकता, फिर भी इसको रखा हुआ आश्रम में और तू कह रहा है ये प्याज है, तो ये प्याज नहीं हो सकता। बोले क्या मतलब? मतलब लेयर है प्याज के जैसे, लेकिन प्याज नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब कितने भी लेयर अगर इसके उतर जाएंगे, अंत में एक दिन आत्मा का लेयर जब आएगा तब पता चलेगा अरे ये प्याज नहीं, ये तो कृष्ण का अंश, बड़ा शुद्ध चेतन सुखद सुख की राशि आत्मा है। इसलिए लेयर की परवाह मत करो, बेचारे को दबे पांव वापस जाना पड़ गया। तो ये बात हम सभी को अपने लिए भी घटानी पड़ेगी कि हम सभी संसार में कैसे हैं, इंद्रिय तृप्ति के अनादिकाल के संस्कारों की परत चढ़ी हुई, ये परत आसानी से निकलती।
अंतर इतना है कि किसी का परत का रूप अलग है, किसी का परत का रूप अलग है। कोई भोजन की इंद्रिय तृप्ति की परतों पर परतें चढ़ा करके बैठा हुआ है, तो कोई कपड़ों की वेशभूषा को लेकर के परतों की परतें चढ़ा करके बैठा हुआ है, कोई धूम्रपान की वैरायटी की परतें चढ़ा के बैठा है, कोई लोभ की परतें चढ़ा के बैठा है, तो कोई क्रोध की परतें चढ़ा के बैठा है, तो कोई काम की परतें चढ़ा के बैठा है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके ऊपर इन सब इंद्रिय तृप्ति तृप्ति के संस्कारों की परत ना हो। बस क्या करना है, इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ऐसा लगता है अनचेंजेबल है। हम अपने प्रयास से किसी को आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन क्या कृष्ण भी नहीं बदल सकते? कृष्ण बदल सकते हैं। इसलिए येन केन प्रकार इन इंद्रिय तृप्ति का ही कारण क्यों ना हो, लेकिन जीव को भगवान की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचते हुए कि अनचेंजेबल है, बहुत डीट है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी किसी भी स्थिति में इसका त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। कई बार धुनाई भी हो जाती है, दंड भी दिया जाता है। तो कैसा कठोर दंड दिया नलकुवर मणिग्रीव को, जाओ वृक्ष बन जाओ। इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार है, लेकिन तुमको ज्यादा ही मर्यादा को पार करके इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, वृक्ष बन जाओ। लेकिन क्या उन्होंने स्वीकार नहीं किया? फिर क्षमा मांगने पर वृक्ष का श्राप देने के पश्चात भी क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और स्वीकार करके क्या कराया? भगवान की कृपा कराए। वही इंद्रिय तृप्ति कितनी बड़ी कृपा का रास्ता बन गया। इसलिए जीव को येन केन प्रकारेन किसी भी चीज के लिए भक्तों की संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की लालसा भी हो तो भी भक्तों का आश्रय लेना सीखना चाहिए और उपाय पूछना चाहिए कि इससे कैसे बाहर आएंगे। और ईमानदार भक्त लोग इसका उपाय बताते हैं, उसे निकाल ले जाते हैं। कैसे निकाल के ले जाते हैं? साम दाम दंड भेद। कभी प्यार से निकालेंगे, तो कभी लालच देंगे, तो कभी भेद कराएंगे, तो कभी दंडित करेंगे। प्रभुपाद जी ऐसे ही वैष्णव थे। रूपा जी ने संसार के सब लोगों को बहुत तौर तरीके से इंद्रिय तृप्ति में लगा करके और बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला? गुलाब जामुन खिला खिला के शुरुआत में, और फिर इतने प्रवचन दे दे करके इतना मैच्योर कर देते थे कि जो गुलाब जामुन पर टूट पड़ते थे पहले एक साल तक, फिर वो कहते थे एक दूसरे को, अरे इसे हमें नहीं खाना चाहिए, अब जो नए लोग आ रहे हैं ना उनको खिलाना। अब हम ही लोग खाते रहेंगे तो फिर नए लोगों को चांस कैसे मिलेगा? इसलिए हम नए लोगों को चांस देना चाहिए। वो खुद ही अपने आप में ऐसे मैच्योर हो जाते थे। ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन भक्त क्या भगवान भी किसी के साथ किसी कार्य को लेकर के जबरदस्ती नहीं करते। भगवान के कार्य करने के तरीके भी ऐसे हैं कि उस व्यक्ति को ही इतना कन्वेंस कर देते हैं कि उस कन्वेंशन के कारण वो खुद ही वैसा करने लग जाए। प्रभुपाद जी झाड़ नहीं लगाते थे, लगाते थे उन लोगों को जो इतना प्रेम प्राप्त कर चुके होते थे प्रभुपाद जी का, हर व्यक्ति को नहीं। तो प्रभुपाद जी कन्वेंस कर देते थे व्यक्ति। तो इसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति को कन्वेंस कर पाए और फिर वो व्यक्ति स्वयं ही कार्य करे। हम कई बार कार्य में लगाने के लिए या इंद्रिय तृप्ति से छुड़ाने के लिए, कृष्ण कार्य में लगाने के लिए या इंद्रिय तृप्ति से छुड़ाने के लिए,
यही दो काम करने पड़ेंगे। इंद्र तृप्ति को छोड़ा और कृष्ण की सेवा में नहीं लगे तो भी कोई फायदा नहीं, और कृष्ण की सेवा में लगे और इंद्र तृप्ति नहीं त्याग कर पाए तो भी कोई फायदा नहीं, ये दोनों ही कार्य कराने पड़ेंगे। तो इंद्र तृप्ति को छुड़ाया भी पुलिसिंग के द्वारा नहीं जा सकता और कृष्ण सेवा को भी पुलिसिंग के द्वारा नहीं कराया जा सकता। कृष्ण सेवा कराना है तो रूल बाय पावर नहीं चलेगा, रूल बाय लव फॉर कृष्णा सर्विस, सिमिलरली रूल बाय लव फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति से भी उसे बहुत प्यार से बाहर निकालना पड़ेगा और बहुत प्यार से उसे कृष्ण सेवा में लगाना पड़ेगा। इसमें हमें स्वयं को भी ऐसा ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम हताश नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं सोच सकते अरे मैं इतना गिर गया अब तो कोई फायदा ही नहीं, मर जाते हैं सीधा। मर के क्या करेंगे, वहां भी तो इंद्रिय तृप्ति करोगे, वहां कौन सी कृष्ण शिक्षा प्राप्त है? मरने के बाद कोई भूत बन जाएगा या कोई पशु पक्षी बन जाएगा तो वहां क्या होगा, वहां भी तो वही इंद्रिय भोग है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, यही दो कार्य करने पड़ेगा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये हमारी चेतना पर निर्भर करेगा कि हमारी चेतना क्या कह रही है उस समय, उस क्रिया को लेकर के हमारी चेतना का लक्ष्य क्या है। जैसे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे कृष्णदास जी करके, तो श्रीनाथ जी का यहीं गिरिराज जी में जब भगवान श्रीनाथ जी विराजते थे तो कृष्णदास जी के पास बहुत बड़ा रथ था। पुराने समय में रथ हुआ करते थे, रथ अमीरों के पास होते थे, तो उनके पास एक रथ था। तो रथ से सामान लेने के लिए आगरा में जाते थे, उस समय मथुरा में हर चीज़ नहीं मिलती थी, आगरा बड़ा शहर था। तो आगरा में जाते थे तो आगरा में वो गली से गुजर रहे रथ को लेकर के, तो वहाँ पर एक नौटंकी चल रही थी। नौटंकी पुराने समय में हुआ करती थी जिसमें अलग अलग प्रकार के गायक कलाकार लोग अपनी गायिका प्रस्तुत करते थे। तो स्त्रियां भी होती हैं गायक कलाकार, पुराने समय में उनको वेश्याएं कहा जाता था, आज के समय में हीरोइन कह देते हैं। तो वहाँ भी एक गायिका थी तो गा रही थी, तो गाते गाते जब ऊंचाई पर गा रही थी ऊंची तान में तो उसका गला रुंध गया। तो नीचे की ओर जब उतार करके तान को ला रही थी तो गला रुंध गया। अब ये भी बहुत बड़े गायक कलाकार थे तो इन्होंने उस सुर में रथ को, अब रथ इतना ऊंचा था कि वो ऊपर छत पे कार्य कर चल रहा था कार्यक्रम, और इनका रथ पे चढ़ने के कारण उतनी ऊंचाई हो रही थी, तो इन्होंने तुरंत रथ को रोक दिया और उसी टूटी हुई तान में अपना गला मिला दिया और उसे नीचे उतार करके लेके आ गए तान को। तो उसने देखा तो बड़ी आश्चर्य में डूब गई कि अरे ये भी इतने बड़े गायक कलाकार। गायक अपने सामने दूसरे को नहीं मानता आसानी से, तो जब देखा तो बोले अरे इतने बड़े गायक कलाकार हैं। तो इनको बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और इनको बुला लिया गया महफिल में। तो पूछने लगी वो कि आप कहाँ पर अपना ये गायिका प्रस्तुत करते हैं? बोले हम इधर उधर तो नहीं जाते ज़्यादा, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े सेठ हैं, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती, हम तो उन्हीं के लिए ही गाते हैं। अच्छा, उनके लिए गाते हैं।
बोले हाँ आप भी चलना चाहो तो कभी आप आना हमारे यहाँ पर। तो बोले वो कितना देते हैं? बोले वो इतना देते हैं कि कहीं दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप कभी चल सको तो आज चलो, तो हमारे साथ आप ही चल पड़ो। तो उन्होंने उसी समय रथ में बिठा लिया उसको और उस वेश्या को मंदिर में लेकर के आ गए। अब जानी मानी हस्ती थी वो, सब मंदिर के जितने भी आसपास के महंत लोग थे सब चिढ़ गए, देखो ये कैसा व्यक्ति है, कैसा साधु है, वेश्या को मंदिर में लेकर के आ गया। तो मंदिर में लेकर, बोले हमारे सेठ की एक ही समस्या है कि उनके पास कोई भी अपना कुछ नहीं गा सकता, वो जो पंक्तियां लिख करके देते हैं केवल वही गानी होती हैं अपने सुरताल में। तो बोले अच्छी बात है, हम गा लेंगे। तो उन्होंने उनको एक बड़ा सुंदर पद लिख करके दे दिया मंदिर में कि अब आप इसे गाना चाहो तो ये हमारे सेठ हैं श्रीनाथ जी, आप इनकी प्रसन्नता के लिए गा सकते तो गाओ, आपको जो मांगोगे उतना दिया जाएगा। तो वो शब्द इतने श्रेष्ठ थे क्योंकि आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ पद था, और आचार्यों के द्वारा लिखे हुए जितने भी भजन है ना वो साधारण नहीं है, वो वैदिक हायमंस हैं, वेद मंत्र हैं। तो उन मंत्रों में तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने जब उस शब्द का उच्चारण किया तो उसका हृदय में एकदम से वो शब्द आघात कर गए, उसके हृदय में भगवान का विरह गाते गाते नृत्य करते करते जागृत हो गया। और जब जागृत हो गया तो उसके प्राण छूट गए और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो अब यहां से देखा जाए तो बाहर के दृष्टिकोण से तो ऐसा लग रहा है कि वो वेश्या को उठा के मंदिर में लेके आ गए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने उसकी कला को परख लिया कि ये बहुत कलाबाज है, इसके अंदर तो बहुत सुंदर कला है, इसमें थोड़ा सा दोष है कि किसी को रिझाने के लिए ये प्रयास करती है संसारी लोगों को, कोई नहीं, उन्होंने उसके हृदय को जीत लिया, कन्वेंस कर लिया, अपने रथ में बिठा लिया। उनको ये परवाह नहीं हुई कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी वो लेकर के आ गए क्योंकि उनका लक्ष्य था उसके द्वारा बहुत बड़ा काम कराना आने वाले समय में, क्या, कृष्ण को प्रकाशित करना। तो लेके आगे उसे गवा दिया उन्होंने। तो ऐसे ही जब हम अपने शरीर को कृष्ण की संपत्ति मान के चल रहे हैं और उस समय हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण सेवा के लिए हमें अभी भोजन की आवश्यकता है, गर्मी बहुत पड़ रही है, हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन की संभावना बन रही है, इसलिए अभी जूस पी लेना चाहिए जिससे हम भगवत सेवा ठीक से कर सके। तो एक मैच्योरिटी है कि उस समय उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गुरुजनों के आश्रम में रहते रहते धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती। अभी कोई नया नया है और वो कहे कि अरे कृष्ण सेवा करना है, प्रभु जी जूस नहीं पिला रहे हैं क्या? तो वो एक इस तरह अलग है, देख नहीं रहे गेहूं कितना ढेर पड़ा हुआ, अभी तक गन्ने का जूस नहीं मंगाया आपने, कैसे ताकत आएगी, कैसे गेहूं उठेंगे, कैसे टंकी में जाएंगे, हाथ में ताकत ही नहीं, आपको कम से कम वैसी मिठाई नहीं, काजू कतरी मंगानी चाहिए जिससे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के साथ हाथ में ताकत आ जाए। तो एक वो है, तो इसको तो एक गुरुजन ही समझ पाते हैं कि हाँ अब ये कितना मैच्योर हो गया है और इसको कितने अधिकार दिए जाए, और वो उतने अधिकार देते हैं, उतने अधिकार के साथ वो फिर जीवन जीता है, इसलिए एक मैच्योर गाइडेंस में उसको अपना जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी लकीर नहीं है कि यही चीज़ें हैं जो कृष्ण सेवा इन्हीं से होगी और ये चीज़ें हैं इसको इंद्रिय तृप्ति कहेंगे, नहीं, प्रत्येक इंद्रिय तृप्ति का कार्य भी कृष्ण सेवा हो सकता है और प्रत्येक कृष्ण सेवा में लगने वाला कार्य इंद्रिय तृप्ति हो सकता है, है कि नहीं? हम किसी से डोनेशन इकट्ठा कर रहे, जगन्नाथ मंदिर एक है परिक्रमा मार्ग में, तो वहाँ एक पुजारी सेवा करते थे, तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी और वो हेड पुजारी थे। अब
बढ़िया दाढ़ी वगैरह जटा वगैरह सब कुछ एकदम हाथी जैसा विशाल का है, बढ़िया शरीर। जगन्नाथ जी की पुजारी का तो एक रूप ही अलग बन जाता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद ही ऐसा होता है, क्योंकि भोगी उनको इतनी मात्रा में चीजें लगती, तो दूध फिर गिलास से नहीं पिया जाता, वहाँ लोटे से पीना पड़ता है मजबूरी में। और फिर चीजें डलिया में भोग लगती हैं, थाली फाली में नहीं, तो फिर वहाँ मोटा हिसाब किताब होता है। तो लोग आते तो कोई जगन्नाथ जी को पोशाक के लिए, कोई जगन्नाथ जी की अन्य सेवाओं के लिए, वो पुजारी को देख करके पुजारी को पैसा दे के जाते। तो जब पुजारी को पैसा दे करके जाते तो पुजारी ने बीच में घोटाला चालू कर दिया। अब घोटाले को बोले कौन, बताए कौन, कौन कर रहा था? बोले हेड पुजारी। कौन कर रहा था? हेड पुजारी, बाकी सब नए नए पुजारी। तो हमारे गुरु महाराज गए तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप भी कोई अपना शिष्य भेजो ना। तो महाराज ने एक दुबला पतला सा बेचारा निष्काम शिष्य एक दे दिया, और नया नया गया तो उसने ये चोरी पकड़ ली, उसने बता दिया उसको, वो हेड पुजारी को बाहर निकलना पड़ गया। अब ये दुबले पतले श्रीमान जी ये हेड पुजारी बन गए। तो लिटरली देखा जाए तो वो कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं है, पुजारी होकर के वहां इंद्रिय तृप्ति की संभावना कहाँ है, पैसा ले रहे हैं। लेकिन वो डोनेशन को भी उसने किस में यूज करना चालू कर दिया, इंद्रिय तृप्ति में चालू कर दिया। तो भगवान ने समय आने पर क्या किया, लात मार के बाहर कर दिया, अब उनको स्वीकार कर लिया। और बाद में वो भी हेड पुजारी की तरह एकदम हट्टे कट्टे हो गए, बढ़िया दाढ़ी उनकी भी आ गई, जटाजूट हो गया एकदम शरीर, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा के एकदम अद्भुत शरीर बन गया। कहा महाराज के सामने एकदम, महाराज जय जो आप आज्ञा दे, महाराज जो आज्ञा दे। फिर दो चार साल बाद महाराज गए, महाराज बोले, नाम था उनका, नाम बताऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, बोले हाँ भैया चल अब तू मेरे साथ। नहीं महाराज मैं तो यहीं सेवा करूंगा। थोड़ी चर्बी चढ़ गई ना, तो अकड़ आ गई, तो फिर वो वहीं बोले नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो महाराज की अवज्ञा एक प्रकार से करने लग गए। खैर जो भी है, भगवान उनको शरीर अच्छा दिया, अच्छी बात है। पहले वाले हेड पुजारी की तरह बुद्धि ना है, यही अच्छी बात है, सेवा करते करते तो मंगल होता ही है। तो इंद्रिय तृप्ति की वहाँ संभावना नहीं है, लेकिन वहाँ भी संभावना पैदा कर ली लोगों ने, सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति की संभावना पैदा हो जाती है। और जहां सच्चे भक्त लोग होते हैं वहां इंद्रिय तृप्ति की संभावना भी हो तो भी वो इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य लेकर के नहीं जीते, आंतरिक रूप से बाहर से कई बार इंद्रिय तृप्ति जैसे कार्यों में युक्त होते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन अंदर से इंद्रिय तृप्ति की भावना बिल्कुल नहीं होती, बहुत उठे हुए रहते हैं। ठीक है, ये तो हम स्वयं जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, या भगवान जानते हैं या गुरुजन जानते हैं। समाज को हम गुमराह कर सकते हैं, वो भी ज्यादा समय नहीं गुमराह कर सकते समाज को भी, वो भी सब चीजें पता चली जाती हैं आज नहीं तो कल। हाँ क्या प्रश्न? हरे कृष्ण। प्रतियों को आती है मार्गदर्शन प्रदान, प्रतिकूल भक्ति प्रतिकूल, भक्ति प्रतिकूल तो संसार में रहने के कारण चेष्टाएं उत्पन्न होंगी होंगी, इनको हमने डवटेल करना है अर्थात ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, वो भक्तों की संगति से ही संभव हो पाएगा, अन्यथा आसान नहीं है।